सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत सरकार ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को खत्म कर दिया है। भारत के इस कदम पर सबसे ज्यादा आपत्ति पाकिस्तान ने जताई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुस्लिम देशों और अपने मित्र देशों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह अपने इस विरोध में अलग थलग पड़ गए हैं। पाकिस्तान कश्मीर विवाद को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस्लामाबाद आत्मनिरीक्षण कर रहा होगा कि कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता के प्रस्ताव का दांव ही तो उल्टा नहीं पड़ गया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से भी अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि 4 अगस्त को ही इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा था कि भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात चिंताजनक हैं। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है, जबकि नई दिल्ली ने लद्दाख का भी दर्जा बदल दिया है। चीन लद्दाख के बड़े हिस्से जैसे अक्साई चीन पर अपना दावा करता रहता है। अमेरिका ने भी अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले को आंतरिक मामला माना है। यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टोगस ने एक बयान में कहा, हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के फैसले को भारत ने सख्त तौर पर अपना आंतरिक मामला करार दिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील भी की। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद को भी फोन कर गुहार लगाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक महातिर ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सभा के सत्र का इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान वह इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।